मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स जो है, ये टॉपिक एमएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर थर्ड का फोर्थ यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सीड्स देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल सीड्स जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीड्स जिसे आर्टिफिशियल सीड्स या सिंथेटिक सीड भी कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सीड्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीड्स या सिंथेटिक सीड ऐसे इनकैप्सुलेटेड सीड्स होते हैं, ठीक है, जिसके सोमैटिक एम्ब्रियो में प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोस, इनमें इनमें जो सोमैटिक एम्ब्रियोस लिया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है। कहने का मतलब है जो सोमैटिक एम्ब्रियोस इसमें होते हैं वो भी आर्टिफिशियल के फॉर्म में होते हैं, लाइक किसी भी प्लांट के सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कैलस, इन सब के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो सीड्स को पोषण किससे मिलता है? सीड्स को पोषण मिलता है उसके एम्ब्रियो से। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल सीड में पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, जिससे इसको क्या मिलेगा, जिससे आर्टिफिशियल सीड्स जो होंगे, जैसे कि प्लांट्स, प्लांट के सेल, टिश्यू, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट, सिंगल सेल, इन सबको पोषण, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए जो इसमें एम्ब्रियो होता है वो भी कैसा होता है? आर्टिफिशियल ही होता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल एम्ब्रियो में प्लांट के डेवलप करने की जो कैपेसिटी होती है वो कौन से कंडीशन में होती है? इन विट्रो कंडीशन। ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में होती है, एंड एक्स विट्रो कंडीशंस में तो हम जानते ही है, जो प्लांट से नॉर्मल जो हमने बीज देखा है वो होता है जिससे प्लांट्स उगते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोस आर बाइपोलर स्ट्रक्चर विद बोथ अपिकल एंड बेसल मिक्स्ड मेटिकल। सोमैटिक एम्ब्रियोस कुछ भी हो सकते हैं, या तो अपाइकल मिक्स्ड मेटिकल रीजन हो सकते हैं या फिर बेसल मिक्स्ड मेटिकल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जिससे वो कैपेबल होते हैं किस चीज के लिए? शूट बनाने के लिए या फिर रूट बनाने के लिए, जिससे वो आगे चल के किस में डेवलप हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं? शूट बनाने में या फिर रूट बनाने में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले इसको बनाया किसने था, ठीक है, इन्वेंट किसने किया था, तो हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले किट्टो एंड जेनिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1982 में फर्स्ट कोटेड कैगट एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल सीड्स जो है, ठीक है, उन्होंने वो डेवलप किया था। किससे? गाजर से आर्टिफिशियल एम्ब्रियोस डेवलप किया था। ठीक है, पॉलीजेंथलीन की हेल्प से। देन इसके बाद में 1984 में रिडेंट बग ने, रिडेंट बग एट एल, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एट एल लिखा हुआ है इसका मतलब है रिडेंट बग एट एल के साथ उनके बहुत से सहयोगी भी थे। ठीक है, जब दो साइंटिस्ट होते हैं तो उनको एंड लिखा जाता है, जैसे कि किट्टो एंड जेनिक में लिखा गया है, लेकिन जब दो से अधिक साइंटिस्ट होते हैं तब उसके लिए हम एट एल यूज करते हैं। ठीक है, रिडेंट बग एट एल ने क्या किया था? अल्फा अल्फा एक केमिकल है जिसकी मदद से
हाइड्रोजेल लाइक सोमेटिक एल्जिनेट, लाइक सोडियम एल्जिनेट का यूज करके सोमेटिक एम्ब्रियोस बनाया था, ठीक है, आर्टिफिशियल सीड बनाया था। किसकी हेल्प से? अल्फा अल्फा का यूज करके, प्लस उसमें उसने उन्होंने क्या यूज किया था, सोडियम एल्जिनेट डाला था, जिसकी हेल्प से उन्होंने इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोस को डेवलप किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इन अल्फा अल्फा डेसिकेशन टॉलरेंस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस वॉज इंड्यूस्ड बाय एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ एबीए बाय सेनेरेत्ना मैककेलिस एंड पाउली। सेनेरेत्ना मैककेलिस एंड पाउली ने बाउली ने सोमेटिक एम्ब्रियोस को अल्फा अल्फा डेसिकेशन टॉलरेंस का एक्सोजीनस एप्लीकेशन का यूज करके सोमेटिक एम्ब्रियोस बनाया था। यहाँ पे कितने साइंटिस्ट थे? सेनेरेत्ना मैककेलिस एंड बाउली, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोमेटिक एम्ब्रियोस को अल्फा अल्फा टॉलरेंस का यूज करके सोमेटिक एम्ब्रियोस या फिर आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कैलस कल्चर, सबसे पहले हमको इसके लिए कैलस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देन इसके बाद में इंडक्शन इंडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस इन कैलस कल्चर, ठीक है। सोमेटिक एम्ब्रियोस को कैलस कल्चर फर्दर किया जाएगा। देन उसके बाद में जब मैचुरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस, मैचुरेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस में जब सोमेटिक एम्ब्रियोस के अंदर प्रेजेंट जो भी प्लांट पार्ट है वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंगुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस, तब उसके बाद में क्या किया जाएगा, उनका सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंगुलेशन किया जाता है। मास प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस एंड इससे उसका क्या किया जाता है, मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा संख्या में फिर सोमेटिक एम्ब्रियोस को डेवलप किया जाता है। कहने का मतलब है जो कैलस है, ठीक है, उस एक कैलस से अनेक सोमेटिक एम्ब्रियोस को डेवलप किया जाता है। देन इसके बाद में उससे जो बने हुए बहुत से सोमेटिक एम्ब्रियोस है उसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन किया जाता है। किसका? सोमेटिक एम्ब्रियोस का स्टैंडर्डाइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन किया जाता है। देन इसके बाद में मास प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, बहुत से मास प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये जो सीड्स होते हैं, टेस्ट फॉर एम्ब्रियॉइड टू प्लांट कन्वर्जेशन, ठीक है। इसका मतलब है अब ये जो सीड्स होते हैं वो प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए, ये जो एम्ब्रियॉइड है वो प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए इनका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यदि वो जो एम्ब्रियॉइड्स है, सोमेटिक एम्ब्रियो है, वो प्लांट कन्वर्ट में कन्वर्ट होने के टेस्ट में यदि वो पास हो जाते हैं, कहने का मतलब है यदि उनसे उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शूट या रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब उन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रीन हाउस एंड फील्ड में प्लांटिंग किया जाता है। सबसे पहले उन्हें कुछ समय के लिए ग्रीन हाउस में रखा जाता है, देन उसके बाद में उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस। अब हम देखते हैं कि उसका सोमेटिक एम्ब्रियोस जो होते हैं उनका इनकैप्सुलेशन किया कैसे जाता है। वाटर सॉल्युबल हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सीड्स। ऐसे केमिकल सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है जो हाइड्रोजेल्स होते हैं, कहने का मतलब जो है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जिससे वो इजिली किसी भी प्लांट सेल, टिश्यू ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट, सिंगल सेल में क्या हो जाते हैं, कोट हो जाते हैं, ठीक है। तो जेल के फॉर्म में किसे यूज किया जाता है, सोडियम एल्जिनेट का यूज किया जाता है, जिसका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है कैल्शियम सॉल्ट। एंड नेक्स्ट है सोडियम एल्जिनेट विथ जिलेटिन, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। देन कैल्शियम
कहेगा जेनेनिन, इसमें पोटेशियम एंड अमोनिया NH3 क्लोराइड का यूज किया जाता है। देन उसके बाद में जेल में जेल राइट टेम्परेचर लो रखा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में है सोमेटिक इनकैप्सुलेशन, जो है वो किया कैसे जाता है। इसके दो मेथड है, टू मेथड्स यूजेस यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेशन। इसके लिए फर्स्ट है जेल कॉम्प्लेक्शन विया अ ड्रॉपिंग प्रोसीजर। इसमें इसमें सोडियम एल्जिनेट का 0.5 to 5% सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। प्लस इससे पहले सबसे पहले सोमेटिक एम्ब्रियोस को आइसोलेट कर लिया जाता है, उसके साथ इसमें 0.5 to 5% सोडियम एल्जिनेट एंड 3200 μm कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को ड्रॉप लिया जाता है, और उसकी एक एक बूंद एक एक प्रोटोप्लास्ट सेल टिश्यू सिंगल सेल में डाला जाता है, ठीक है। देन इसके बाद है मोल्डिंग। आइसोलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोस आर मिक्स्ड इन अ टेम्परेचर डिपेंडेंट जेल सच एज जेल राइट एंड प्लेस्ड इन द वेल ऑफ माइक्रोटाइटल टेट ऑफ इट फॉर्म्स जेल व्हेन द टेम्परेचर इज कूल्ड डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सबसे पहले हमने इसका मिक्सचर बनाया था किसके सॉल्यूशन का, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम एल्जिनेट का सॉल्यूशन जो बनाया हुआ था, उसको डालने के बाद मोल्ड, मतलब कि मोल्डिंग का मतलब होता है उसके जो भी प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन प्रोटोप्लास्ट सिंगल सेल ये सब हमने लिया, उसके सभी तरफ उसमें कवर्ड हो जाना, जो केमिकल है उनका उसमें सभी तरफ कवर्ड हो जाना, ठीक है, मिक्स हो जाना, उस पर घुल जाना, उस पर चारों तरफ उसकी कोटिंग हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए जो आइसोलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोस को है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इसका जेल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जिसको माइक्रो टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट होता है, जिस पे एक माइक्रोटाइटल प्लेट्स होते हैं जिस पे सभी प्रोटोप्लास्ट को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर, उसके बाद प्लांट प्लांट के सोमेटिक एम्ब्रियोस का जो जेल है वो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ये है इसका डायग्राम। देखिए ये बिल्कुल आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, मोतियों के समान दिखाई पड़ते हैं, और जो इसके बीच में जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो प्लांट का सेल टिश्यू ऑर्गन, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। और जो व्हाइट पार्ट इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है सोडियम एल्जिनेट, ये है सोडियम एल्जिनेट एंड सोडियम एल्जिनेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए जब हमको इसका इनकैप्सुलेशन करना होगा, जब हमको इससे प्लांट जनरेट करना होगा, ठीक है, तो हमको सबसे पहले इस डायग्राम में जो आपको व्हाइट दिखाई पड़ रहा है मोतियों के समान, ठीक है, जो केमिकल की कोटिंग है इसके ऊपर, ठीक है, उसको सबसे पहले निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको उसकी कोटिंग हटाने के लिए इसमें मिक्स करना होगा। ये देखिए ये भी इसका डायग्राम है, ठीक है। देन सोमेटिक एम्ब्रियोस आर इनक्लोज्ड इन जेल विथ रिमेन हाइड्रेटेड। कैल्शियम एल्जिनेट इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है। हाइड्रेटेड आर्टिफिशियल सीड्स आर स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। ये कैसे होते हैं स्टिकी एंड इनको हैंडल करने में डिफिकल्टीज आती है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज अमाउंट में यदि होते हैं तो इन्हें हैंडल करने में डिफिकल्टीज आती है एंड आर ड्राई रैपिडली ऑन द ओपन एयर, ठीक है। और जैसे ही ये ओपन एयर में आते हैं, ठीक है, ये कैसे होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग
वैक्सी कोटिंग ओवर द बीट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे क्या किया जाता है, एक वैक्स की कोटिंग की जाती है, वैक्स टाइप की कोटिंग की जाती है केमिकल सॉल्यूशंस की। वैक्स की कोटिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वैक्स की कोटिंग की जाएगी, ठीक है। केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इनको वैक्सी वैक्सी स्टिकी लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाउ एवर हार्डन हाइड्रेटेड आर्टिफिशियल सीड्स हैव टू बी प्लांटेड सून आफ्टर दे आर प्रोड्यूस, जिससे क्या हो जाते हैं, आर्टिफिशियली सूट्स को जल्दी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये है आर्टिफिशियल सीड्स एंड नेचुरल सीड्स में आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली इसमें डिफरेंस, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोस दोनों के देख लीजिए, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड में सोमैटिक एम्ब्रियो भी क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड में आर्टिफिशियल सीड्स की जो कोटिंग है, सीड कोट है, वो भी आर्टिफिशियल ही होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सीड में उसमें कॉटिलीडन एंड सीड कोट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड में का जो एंडोस्पर्म होता है वो भी आर्टिफिशियल ही होता है। देन इसके बाद में नीड फॉर आर्टिफिशियल सीड्स,